क्या भट्ट पुरोहित हमें शिक्षा देंगे? नहीं देंगे, क्योंकि वे अपने हाथों से ऐसा हथियार हमें नहीं सौंपेंगे। इसलिए हमें खुद अपने को शिक्षित करना पड़ेगा। मेरी पत्नी सावित्री मेरी पहली शिष्या है, अब वो तुम्हें पढ़ाने में मेरी मदद करेंगे। हम इस तरह ज्ञान फैलाएंगे, क्योंकि ज्ञान ही वो दौलत है जिसे आपस में बांटना बहुत जरूरी है। यह हमारी पहली पाठशाला है जो छोटी जाति की लड़कियों के लिए खोली गई है। यहां लड़कों का हम स्वागत करेंगे, लेकिन हमारा विश्वास है कि लड़कियां ही आगे चलकर हमारी भावी पीढ़ी को आकार देगी। विरोध तो इस काम का होगा ही, लेकिन हमें साहस के साथ काम को आगे बढ़ाना है, क्योंकि हम सही रास्ते पर चल रहे हैं। धर्म भ्रष्ट करने वालों का ऐसा ही होता है। तू हिम्मत रखो सावित्री, ये तो शुरुआत है। उनका समाज हम पर कीचड़ी उछाल सकता है और कर ही क्या सकता है। रुका सड़ा हुआ समाज, अपने हाथों पैदा किए दलदल में धंसा हुआ समाज है वो। जब हम कुनबी किसान शिक्षा पालेंगे तो कुल समाज को उलट कर रख देंगे हम, सारी काली मां धो देंगे हम। देखो ज्योति, मैं तुम्हें आखिरी बार बता देता हूं कि अगर तुमने मेरी और अन्य लोगों की आज्ञा का पालन नहीं किया तो तुम्हें और तुम्हारी पत्नी के लिए इस मकान में कोई जगह नहीं है। तुम्हें यह मकान छोड़ना पड़ेगा। जैसे आपकी मर्जी, हम हमारे विचारों में बदल नहीं कर सकते, इसलिए घर छोड़कर जा रहे हैं। सावित्री अपना सामान भरो, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि यह तो सिर्फ शुरुआत है। भरो सामान जल्दी। अगर मुझे मार डालने से रामोशियों का फायदा होता हो तो चलाओ कुलाड़ा, चलाओ ना, चलाओ। सावित्री, हमने इन्हीं लोगों के बच्चों के पढ़ाने का व्रत लिया है, उसे याद रखना और मेरे मरने के बाद भी उस काम को जारी रखना। क्या क्या कहा तूने? मैंने अपने पत्नी से कहा कि मेरे मरने के बाद शूद्रों के बच्चों को पढ़ाने लिखाने का काम बंद मत करना। शूद्रों के भलाई के खातिर काम करते करते मैं तुम्हारे हाथों मारा भी जाऊं तो ये मेरी खुशकिस्मती होगी। लेकिन उन्होंने हमें ये नहीं बताया कि तुम शूद्रों को पढ़ाते हो। वो क्यों बताते? उन्होंने हमेशा तुम्हें ज्ञान पाने से दूर रखा और चोरी डकैती हत्या का काम करके पेट भरने को मजबूर किया। वो तुम्हें इस्तेमाल करते हैं इस तरह कि तुम अपने हाथों अपना ही सफाया कर दो। ज्योतिराव, तुम लोगों को ब्राह्मणों से नफरत करना सिखा रहे हो। बिल्कुल नहीं, ब्राह्मणों को मैं अपना भाई मानता हूं और इसीलिए उनके काले कारनामों पर शर्मिंदा हूं। ब्राह्मणों से मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, मेरा सारा संघर्ष ब्राह्मणवाद के खिलाफ है। हेरम शास्त्री, आप जितने जल्दी समझेंगे कि शूद्र जन ही इस देश की जीवन शक्ति है उतना ही अच्छा। अब तुम्हीं से सलाह लेना बाकी बचा था। देखो ज्योतिराव, हम बता देते हैं, ऐसी उल जलूल और गाली गलौज वाली किताबों से तुम समाज की सेवा नहीं कर सकते, समझे? ना आप ही कर सकते हैं शास्त्री जी, ये कहकर कि वेद और पुराण देवताओं के मुख से कड़े हैं, ना ये फतवा देकर कि फुले ने उल जलूल और गाली गलौज वाली किताब छपाई है, ना ये कहकर कि बकौल विष्णु शास्त्री चिपलून करके फुले पहले मराठी का व्याकरण सीखे और बाद में लिखने की सोचे। आप विद्वान कहलाने वालों में से एक भी ऐसा नहीं निकला जिसने मेरे उठाए सवालों का जवाब दिया हो। मनुज है ईश्वर का वरदान, सभी को सिरजा एक समान। खोखली ब्राह्मण पन की शान, झूठ है छुआछूत की बान। कहे ज्योति बा सच को पहचान जी जी जी, कहे ज्योति बा सच को पहचान जी जी जी, कहे